के बारे में पूछ रही थी ना। हमें जीतना है, जीत कर आना। छोड़ के कहाँ जा रहे हो? चलो ना, जा रही हो क्या? बदमाश हो क्या? और तेज क्या जरूरत है? अरे लेकिन रास्ता देखिए, भाग रहे हो। कहाँ भागे तुम लोग सबके सब? आज मैं तुम लोगों के घर जाके तुम लोगों के मम्मी पापा से बात करने वाला हूँ। हाँ, तुम लोगों ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया, छोड़ू वाली मैं। Taking camera rolling action. Ad films और music direct करना मेरा profession है। Hi Krish. Hi. I love you. Thank you. Will you marry me, please? One sec. ऐसी कितनी ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे पीछे पड़ने के बावजूद भी मैंने उनसे प्यार क्यों नहीं किया, आप यही सोच रहे हो ना? बिकॉज ऑफ माई फैमिली। इतनी पागल फैमिली, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत फैमिली में हैं। तुम्हारे रंग रूप और हाइट के हिसाब से ये साड़ी तुम पर बहुत ज्यादा जचेगी, ये तुम ही रख लो। कुछ भी कहो भैया, ये साड़ी तुम्हारे पर ही अच्छी लगेगी। सूट करेगी, इसे ही दे दो ना। अरे तुम्हारी वाइफ है तो भैया, ये तुम पे अच्छी लगेगी, तुम ही रख लो। नहीं सर, नहीं, क्या बात है, मैं नहीं रख सकता। मैंने कह दिया कि मेरी वाइफ अच्छी लगेगी, इसकी वाइफ अच्छी लगेगी। नहीं, तुम पे ज्यादा जचेगी, तुम रख लो। देख लिया, एक साड़ी के लिए लड़ने वाली औरतें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन मेरे घर में ये साड़ी तुम रख लो कहकर उनके बीच में लड़ाई हो रही है। मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा वो लड़की इस फैमिली को झेल पाएगी या नहीं, यही सोचकर मुझे डर लगता है। कितना स्वीट है ना, ये मेरे बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी। पापा जरा मुझे भी लगाइए। हाँ, लगाता हूँ। पहले इन्हें लगा दूँ फिर तुम्हें लगा दूंगा। हाँ, ये मेरे छोटे पापा और छोटी मम्मी और इनके दोनों बच्चे। नहीं लगा। ये मेरे दूसरे छोटे पिताजी और छोटी मम्मी और उनकी छोटी बच्ची। क्यों, सही कहा था ना मैंने? और यही है इस कृष्णा के प्यारे से मम्मी पापा, यही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं नहीं, आइए मेरी फैमिली के साथ आप भी एंजॉय कर लीजिए। पता नहीं, लाइफ बहुत बोरिंग सी लग रही है, लग रहा है कोई मजा ही नहीं है। वही ऑफिस, वही काम, वही वीकेंड पर पार्टियां और वही सब शक्लें। जस्ट रूटीन लाइफ, यू नो, ना कोई थ्रिल है ना कोई किक है। हेलो, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। लाइफ में फ्री लव और केक चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? शादी कर लो, थ्रिल में ही रहोगे। शादी? हाँ भाई, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। चुप रहिए पापा, लाइफ में थोड़ी सी बोरिंग चीज क्या आ गई तो उसके लिए मैं शादी कर लूँ क्या? तब तो मैं ऐसा ही ठीक हूँ। ऐसे ही रहो, बूढ़े होने के बाद शादी करना। क्या दादाजी, आपने बोला तो ये सब लोग पीछे ही पड़ गए मेरे। हाँ भैया, जब आप शादी करेंगे तो हमें एक नई फ्रेंड मिल जाएगी। हाँ भैया। ओ, अच्छा डियर, ठीक है, कर लूंगा। ठीक है, आप क्या कहते हो? अरे वो क्या बोलेगा, क्यों कृष्णा, सही कहा ना? अरे कोई बात नहीं, हमारी फैमिली में लव करना कोई गुनाह नहीं है। वैसे भी लड़की मॉडल है, हीरोइन है या क्लासमेट है, हाईटेक है या लोटेक है। हेलो हेलो हेलो, क्या इतना पूछ रहे हैं? हाँ, लड़की उसे चाहिए या आपको? तो देखिए, मैं शादी के लिए इतना बेचैन नहीं हूँ, अभी 2 साल एंजॉय करने के बाद ही करूंगा। तुम्हारे पापा और छोटे पापा भी यही कहते थे, मगर जब से इन लोगों ने तुम्हारी मम्मी और छोटी मम्मी को देखा
तो कहने लगे कि अभी शादी करनी है, अभी शादी करनी है। अरे जिद पकड़ के बैठ गए। जिस लड़की से प्यार करते हो उसका नाम क्या है? आप इस तरह अगर घुमा फिरा कर पूछोगी ना तो जो लड़की नहीं है उसे भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या मतलब? सही कहा, तुमने अभी तक प्यार नहीं किया। वेस्ट फेलो, तुम्हारे प्रोफेशन को तुम पे शर्म आ रही होगी। कृष्णा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 10-12 लड़कियों को। सावधान भाई साहब, आज बहुत ही मूड में लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी कुछ बोलना है? अब मैं क्या बोलूं? आप सब मिलकर मेरा मैच फिक्स करना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस फैमिली से मैच करने वाली अगर कोई लड़की मिले तो उससे ही मैं प्यार करूंगा, लेकिन वो मिलना तो मुश्किल है। इसलिए आप लोगों को जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की सेलेक्ट करके शादी फिक्स करा दीजिए। ओके ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दीदी, कृष्णा के लिए हमारी तरफ की ही लड़की देखनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरी तरफ की लड़की ही देखनी चाहिए। वो बहुत खूबसूरत है, वो हमारी फैमिली में भी घुल मिल जाएगी, हम उसे ही देखनी चाहिए। वो जिस तरह की क्वालिटीज ढूंढ रहा है ना, वैसी लड़की मेरी तरफ से ही मिलेगी, इसलिए कल ही मेरे गांव चलते हैं। मेरी तरफ की ही लड़की देखेंगे? नहीं, मेरी तरफ की लड़की ही जाकर देखेंगे। नहीं दीदी, मेरे परिवार में ही लड़की मिलेगी। नहीं, मेरी तरह ही लड़की देखेंगे। अरे आप, तुम आ गए, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। पहले तुम मेरे तरफ की ही लड़की देखने चलोगे, है ना? नहीं नहीं, पहले मेरे गांव ही चलेंगे। नहीं कृष्णा, मेरे तरफ की लड़की देखेंगे। मैंने कहा ना, मिल जाएगी मेरी तरफ की लड़की चलेगी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। सी, वेरी सिंपल, सीनियर के हिसाब से हम सभी की तरफ से देखते हुए आएंगे। ओके, बिल्कुल सही है। मुझे भी मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। ओके, थैंक यू। मुझे कोई बात नहीं करनी। अब कृष्णा, ऐसा लगता है लड़की तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम जाओ ना। कम ऑन कृष्णा, जाकर उससे बात करो, जाओ। ओल्ड मैन की तरह मुस्कुरा रहे हो, बी बोल्ड, कम ऑन कम ऑन। हाय हाय। इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़ो। छी, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। कैसी सच्चाई? क्या तुम किसी से प्यार करती हो क्या? बताऊं तुम्हें, वो एक लड़का नहीं है, मैं तो दो दो लड़कों से बहुत प्यार करती हूँ। पहला लड़का बहुत अमीर है और दूसरा लड़का बहुत गरीब है। पहला लड़का चांद की सैर कराने की बात करता है और दूसरा कहता है कि चांद ही लाके दूंगा। अब बताओ ना, मैं किस लड़के से शादी करूं भला? लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, यू आर राइट। प्लीज प्लीज, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। दोनों में से कौन अच्छा रहेगा आप ही बताइए ना। हेलो, मैं अपने लिए लड़की देखने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए लड़का देखने नहीं। प्लीज प्लीज, आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। तो मैं उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करूंगा तो तुम दूसरे को भूल जाओगी? श्योर। तो इन दोनों उंगलियों में से एक उंगली चुन लो। मेरी टेक्निक मुझ पर ही ठीक है। कौन है वो जो बातों से ही चांद की सैर करा देता है? तो चांद लाकर देने वाले को भूल जाऊं क्या? तुमने तो कहा कि दूसरे को भूल जाऊंगी। अरे बाप रे, उसके पास केवल एक साइकिल ही है, उसे चला चला कर वो मेरी लाइफ और करियर दोनों बर्बाद कर देगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए वो करो, बट सुसाइड मत कर लेना प्लीज। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों को छोड़कर मुझे तुमसे ही शादी कर लेनी चाहिए। कृष्णा, कृष्णा। कपड़े देखी इसके। ओ ये मेरी प्यारी बेटी। हाय, आई एम सौम्या। हाय हाय हाय। ओ ये, आई वांट टू टॉक टू यू personally. I have a few conditions after marriage. Please. You should accept me the way I am. Love me, care for me. No kids for the first 4 to 5 years. You should allow me to party and no questions about my personal issues. These are my requirements. Krish? एक खूबसूरत पेड़ जिसकी हर डाली पर सुंदर सुंदर फूल हो,
हमारे देश में छुपी खूबसूरती, जैसे चेहरे पर कुमकुम, चूड़ियों से भरे हुए हाथ, देखने में बहुत ही शर्मीली और आंखों में शर्म, बात करना तो छोड़ो, लगता है मुस्कुरा कर ही मार डाली, दिखने में पूरी तरह से भारतीय नारी। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए। दरअसल बोलिए ना, शर्माइए मत। एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे को दिलों जान से चाहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम दोनों की जोड़ी शाहरुख और काजोल की तरह है। लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि अगर मेरे पापा से बात करें तो कहता है कि तुमसे प्यार करने की जितनी हिम्मत मेरे पास थी उतनी हिम्मत तुम्हारे पापा से बात करने की नहीं है। मेरे घर वाले लव मैरिज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी शादी तुम जैसे किसी अमीर घर के लड़के से करा दी जाए ताकि मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो इस मैटर में आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, करोगे ना मेरी हेल्प? वन मिनट। लड़का कौन है? मेरे घर के बगल में ही रहता है। अभी वो कहाँ है? बुलाओ क्या? जस्ट वन सेकेंड। जैसा भी हूँ बलिया हूँ। नमस्कार बॉस। नमस्कार। पता चला है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ तुम उसे को देखने आए हो, लेकिन तुम इनसे शादी करना चाहते हो? डेफिनेटली, कुछ दिन बाद ही मुझे जॉब मिलने वाला है, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद स्वीट से छोटे बच्चे करेंगे बॉस। लड़की का मन जीतना अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप का दिल जीतना भी जरूरी है। तुम्हें काम मिल जाएगा, उसके बाद लड़की के माँ बाप की रजामंदी से ही शादी करना, और लड़की को भाग कर ले जाने का ख्याल अपने दिल में मत रखना, ओके? इस दुनिया में बताने वाला एक अच्छा आदमी है ये आज पता चला है। लड़की से प्यार करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप की रजामंदी के बिना शादी करना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर मन खुश हो गया, लेकिन इस आदमी की बात सुनकर आश्चर्य भी हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी बात को सुनकर मैं खुश हूँ या रोऊं। मगर देखा जाए तो ये हम जैसे प्यार करने वालों को मिलाने का काम कर रहा है, इसीलिए मैं नेक्स्ट। लड़की कितनी पढ़ी है? डॉक्टर है? इसे देखो, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट। इसके बाल बहुत अच्छे हैं, लिख लो। इसे देखो। हाँ, ये अच्छी है ना? सारे ग्रह ठीक हैं और सभी नक्षत्र भी सही हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस साल आपके लड़के की शादी हो ही जाएगी। सुबह से हमने खाना भी नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पता है? अच्छा, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुम्हें करनी थी क्या? अब देखो हमारा हाल क्या होगा। तुम्हें पता है? धीरे धीरे कहाँ चले पापा 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 पा, आया मिस्टर कृष्णा पापा पापा पा, पा, पा। हाय दादा। दादा आप इसी गांव के हैं? क्यों बेटा? इस गांव में लड़कियां हैं क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि मैं अपनी पोती को दूध लाने के लिए भेजा था, मगर वो दूध वाले को लेकर ही आ गई। नहीं, जब से मोबाइल आया है तब से ये लड़कियां बिगड़ गई हैं। You are my sweetheart. दौड़ो। ये चलो, और जोर से बोलो, लंगड़ा लंगड़ा आया
हमारे खेत में घुस रहा था, हमने मार के टांग तोड़ दी। लंगड़ा लंगड़ा आया था, हमारे खेत में घुस रहा था। लंगड़ा लंगड़ा आया था, हमारे खेत में घुस रहा था, हमने मार के टांग तोड़ दी। लंगड़ा लंगड़ा आया था, हमारे खेत में घुस रहा था, हमने मार के टांग तोड़ दी। ओके ओके ओके, चलो इस बार मैं कितनी दूर तक लंगड़ी खेल कर दिखाता हूँ, देखना। कम ऑन। ए बच्चों, हाँ। कभी तुम लोगों ने मुझे लंगड़ी करते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा। और अगर कभी देखा भी हो तो हम क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं। झूठ। ए, उधर कोने कोने में क्या ढूंढ रहा है? ठीक से साफ कर, गाड़ी एकदम चमचम चमकनी चाहिए। ओए मामू। मामू? मैं हूँ मामू, कृष्णा। ए कृष्णा, तू यहाँ कैसे? चोर की तरह इतना बड़ा बैग लेकर हमारे गांव को लूटने आया क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो मामू? नहीं तो फिर कैसे बोलूं? मैंने सोचा था BMW Q7 लेकर आओगे, पर तुम तो ऐसे ही आ गए। वो सब छोड़िए, ये डब्बा गाड़ी आपने अभी तक रखी हुई है। इस गाड़ी के सामने तुम्हारी BMW कुछ नहीं है। एक बार इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया ना तो इसकी आवाज से पूरा गांव थर 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 कांपता है। आपका ये डायलॉग तो बहुत ही अच्छा है। नानी कहाँ है? जाओ, वो अंदर है। नानी नानी। ओ कृष्णा, कृष्णा कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ नानी, आप कैसी हैं? देखो जैसी थी वैसी हूँ, तुम्हारी शादी देखने के बाद ही मरूंगी मैं। ऐसा बोलकर पूरे गाँव की शादी करवा दी है। अभी चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात तुम्हें बता देता हूँ, तुम अभी तक मेरी शादी नहीं करा पाई ना। बेवकूफ, बीवी बच्चे परिवार ये सब नहीं होगा तो जन्म लेने का फायदा क्या? ए कृष्णा, तू ही समझा इसे। आप ही तो कह रही है ना नानी कि मामू भ्रष्ट बुद्धि हैं। चलो मेरा नसीब अच्छा है कि मेरी बुद्धि मामा की तरह नहीं है। ना कोई कुछ लेकर आया है न लेकर जाएगा, आने जाने के बीच में जो माया है संसार उसी माया में फंसा हुआ है, ऐसा मेरे स्वामी जी कहते हैं। कौन है इसका स्वामी? पता नहीं। श्री 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 स्माइल स्वामी जी। पता नहीं इसके स्वामी कैसे होंगे, है ना? तुम मुझसे जलती हो, वो मेरे गुरु जी हैं, उन पर पॉलिटिक्स मत करो। पॉलिटिक्स की बात करता है, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कुछ नहीं है। अरे नानी आप चुप रही है ना मामू। नानी कितने दिन हो गए आपके हाथ की कॉफी नहीं पी, कॉफी बनाकर लाइए ना। ये सब इसकी वजह से, चलो चलो मैं कॉफी बनाती हूँ। परमेश्वर पिताजी, पेट में चूहे दौड़ रहे, खाना बन गया क्या? तैयार है, बस थोड़ा सा नमक डाल दूंगा तो हो जाएगा। नमक डाल दीजिए वरना बाद में भूल जाएंगे। आप भुलक्कड़ हो गए, हमेशा नमक डालना भूल जाते हैं। अच्छा मेरे कपड़ों में कीचड़ लगी, उसे धोने में डाल देना। क्या तू भी इतनी बड़ी होकर उन बच्चों के साथ खेलती हो, देखने वाले क्या सोचेंगे, समझा कर बेटी। अरे रे, कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या करना है, कीचड़ में खेलने का मजा ही कुछ और है। एक दिन आपको भी लेकर चलूंगी। हो गया, तेरे कहने पर अगर मैं भी कीचड़ में जाकर खेलने लगूं तो लोग कहेंगे कि आजकल के बड़े बूढ़ों को क्या हो गया। आप सब बड़े लोग ऐसे ही होते हैं ना, खेलो मत, किसी को देखो मत, मुंह फुलाकर बैठे रहो, इसीलिए आप लोगों को BP, शुगर, टेंशन, स्ट्रेस, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है मेरी माँ, कल से मैं भी तेरे साथ चलकर लंगड़ी लंगड़ी खेलूंगा और कीचड़ में नाचूंगा, सब खेलूंगा। I'm not joking, परमेश्वर पिताजी, जो भी बोलते हो आप कभी सीरियसली लेते ही नहीं हो। अच्छा खाने के लिए क्या बनाया? बघार के राइस बनाया है। जब से आप तड़का लगाना सीखे तब से यही बना रहे हैं। मैं रोज 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 यही खाकर ना तंग आ गई हूँ, ना अचार है ना दाल है। ये धोने वाले कपड़े कहाँ रखने पता नहीं है क्या? टेबल पे लाके रख देती है। ए चंदू इधर आओ। क्या हुआ? वो रघुनाथ की बेटी जो बेबी है ना, वो कैसी है? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं मैं शादी नहीं करूंगा, हमेशा एक ही गाना गाती रहती हो, शादी कर लो शादी कर लो। वैसे भी इस गांव में कोई तुझे लड़की नहीं देने वाला, मैं भी तेरी शादी करवा कर अपने सर पर पाप नहीं लूंगी। वो सब छोड़ो, बेबी की बात कर रही हो, उसे सुदामा के साथ भागे हुए एक महीना हो गया। थू, जाओ फिर। अच्छा तो ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? कल तेरी बहन का फोन आया था, वो लोग कृष्णा के लिए लड़की देख रहे हैं, इसलिए उसका मूड खराब हो गया और बिना किसी को बताए यहाँ आ पहुँचा, इसलिए उसने मुझे फोन करके बोला अगर गांव में कोई अच्छी लड़की हो तो इसे दिखाना। तो ये बात है। सोनू भाई की लड़की कैसी है? अरे उसके कली सगाई हुई, उसे छोड़ो।
उनके बगल में जो शंकर भाई है उसकी। देखो तुम उसके बारे में बात मत करो, मैं 2 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो पा रहा है और तुम बीच में अड़चन डालने आ गई। ए तू चल जा यहाँ से। ए कृष्णा तुम कहाँ जा रहे हो? ए कृष्णा क्या हुआ बेटा? क्या नानी, फिर से घर पे रहता हूँ तो उनका टॉर्चर और यहाँ पर आपका टॉर्चर, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर चला जाऊंगा। नहीं 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 बेटा ऐसे मत करो, देखो कितने सालों के बाद तुम यहाँ आए हो। देखो मैं तुम्हारी शादी की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी, तुम्हें जितने दिन रहना है यहाँ आराम करो, ठीक है? Now that's like a sweet girl. सुनो भाई तुम शादी मत करना, मेरी तरह रहना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, चुप रहो। चलो भाई चलते हैं, मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। कल मुझसे लंगड़ी खिलवाई तुम लोगों का मन भरा नहीं क्या? क्या करना चाहते हो अभी मेरे साथ? ऐसा कुछ नहीं होगा अंकल, दीदी की टीम बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आइए अंकल, प्लीज अंकल। ठीक है अंकल, हमारी टीम की तरफ से खेलेंगे। दीदी कल लंगड़ लंगड़ कर थक गए थे, आज अकड़ अकड़ कर आ रहे हैं, आने दो उन्हें, देख लेंगे। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है ना, तू इधर खड़ा रहे। तुम्हें किचन में कबड्डी खेलना आता है ना? मुझे सभी खेल खेलना आते हैं लेकिन खेल में तुम्हारी तरह फंसाना नहीं आता मुझे। ओहो देख लेते हैं कितना आता है। चल जा छोटू, ये लड़का अकेला ही काफी है तुम सबको आउट करने के लिए। कबड्डी 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 नानी फोन काम नहीं कर रहा, डेड हो गया है क्या? क्या बताऊं, 3 दिन चलता है और 30 दिन बंद पड़ा रहता है, हमेशा की तकलीफ है। झंडू बाम पीला हरी बाम, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। जलो तुम्हारे पेट में क्यों जलन हो रही है? वो मुझे देखते ही जल जाती है। बताओ भाई मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मुझे चांस मिलेगा क्या? मामू आपके साथ मैं ऐड फिल्म नहीं बना सकता क्योंकि आपका जो चेहरा है ना वो स्क्रीन पर जचने के लायक नहीं है। बोलो बोलो, एक दिन मेरा भी रजनीकांत की तरह टाइम आएगा, देख लेना तुम। 2021 गज केसरी योग है, मेरे स्माइल स्वामी जी ने बताया है। गज केसरी का पता नहीं,
लेकिन गधा योग जरूर होगा। चलो तुम चल चल के ही मर जाओगी। मामू अर्जेंट कॉल करना है, क्या करना पड़ेगा बताओ। कौन सा नेटवर्क है? एयरटेल। पहाड़ पर चले जाओ। हेलो मिस्टर लंगड़ू राम। ओ अरे कीचड़ वाली, बोलो मैडम, आज बंदर बंदरिया वाला खेल खेलना है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई और काम नहीं है? किसी को फोन करना है क्या? नेशनल, इंटरनेशनल या फिर लोकल? लोकल। लोकल करना है तो फिर ये पेड़ सही है। नेशनल करना हो तो? नेशनल करना है तो फिर वो पेड़, और इंटरनेशनल करना है तो वो बड़ा वाला पेड़ सही होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फोन बूथ कहाँ है? कितने मिनट बात करनी है? यही कोई 2-3 मिनट। लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसके जैसे कस्टमर्स होंगे तो मेरा खर्चा कैसे निकलेगा। हेलो, मैं यहाँ झूला झूलने नहीं आया हूँ, फोन बूथ कहाँ पर है? उस पर बैठो तो सही। ये क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। जरा संभल के मैं अपने माँ बाप के लौटता हूँ। 5 रुपीस। फोन कहाँ है? फोन भी मिल जाएगा, पहले 5 रुपए तो दो। अरे बोल रहा हूँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो तुम वहाँ भेज रही हो क्या जहाँ नेटवर्क है? तुम्हारे पास मोबाइल है ना? हाँ है। और कार्ड कौन सा है? पोस्ट पेड। हाँ तो फिर नंबर डायल करो ना। हे वाव, स्मार्ट। हाँ मम्मी हाय। कृष्णा ये क्या है बेटा, बिना बताए चले गए तुम। अगर बताकर जाते तो मना करती क्या? कितनी टेंशन हो रही है घर में पता है तुम्हें? मम्मी वो बात, 3-4 लड़कियां देखी है हमने, सब एक से बढ़कर हैं, रंग रूप में अच्छी हैं, अच्छे संस्कार वाली हैं, तुम देखते ही रह जाओगे, एक बार आओ तो सही। मम्मी तुम लड़की और शादी के बारे में बात करोगी तो मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला, बहुत दूर चला जाऊंगा। 3 मिनट हो गए हैं। 5 रुपीज। कृष्णा तुम इसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रही हो क्या? दिमाग यूज कर रही हूँ। जल्दी लाओ। तुम्हारे पास इंश्योरेंस है? तुम एजेंट हो क्या? कहीं तुम इस झूले से ऊपर नीचे करने में गिर गए तो जिम्मेदार कौन होगा? और तुम डर भी रहे हो। चलो मैं भी चलती हूँ। आई एम सॉरी, पर्सनल कॉल्स है। आई एम सॉरी, मैं किसी के कॉल्स को कान लगाकर सुनती नहीं हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? तुम सबका नेटवर्क मिलाने वाली थोड़ी सी चूक हो जाती तो डायरेक्ट नेटवर्क वाली जगह पहुंच जाती। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ए, दीदी को क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ है, रस्सी ढीली करके नीचे लाते हैं। आराम से छोड़ो। नाइस टेक्नोलॉजी, हाँ गुड, थैंक यू। बाय। दीदी 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 क्या हुआ आपको? बताइए हमें। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी लंच ब्रेक है, जाकर खाना खाओ तो। हेलो मिस्टर लंगड़ू राम। क्या हुआ, लव प्रॉब्लम? इसलिए घर से भाग कर आए हो क्या? मैंने तो सुना था कि लड़कियां घर छोड़कर भाग कर आ जाती हैं, लेकिन तुम लड़के हो फिर भी घर से भाग कर आ गए हो। हाँ अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें करी थी कि दूसरों की बातें मैं नहीं सुनती हूँ। क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ ना। अगर बगल में कोई लड़का बात कराओ और लड़की उसकी बातें ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे तुम हो कहाँ से? बैंगलोर। बैंगलोर में एप्पल जैसी लड़कियों को छोड़कर इस गांव में छिलके ढूंढने आए हो क्या? अच्छा ये बताओ कि शहर की लड़कियों को छोड़कर गांव की लड़की क्यों ढूंढने आए हो? क्योंकि गांव की लड़कियां सीधी होती हैं इसलिए। अरे तो शहर के लड़कों का लॉजिक ही समझ में नहीं आता, खुद की तो इतनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हो कि उनका कभी कोई बॉयफ्रेंड ही ना रहा हो। फूल्स। ए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं मैं सिंगल हूँ।
हेलो मिस्टर, रुको। अरे रुको तो सही, घर वाले शादी करवा रहे हैं इसलिए घर से भाग कर आए हो ना? तुम्हारी कुंडली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है भी तो तुम कस्तूरी सुवर्णा जीटीवी ईटीवी के ज्योतिष को फोन करके उनसे बात कर सकते हो। वो लोग मेरी शादी करवा कर मुझे हनीमून पर भेजने की बजाय एक शादी के पहले ही एक लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देंगे। अरे रे 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 रे, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो। हे भगवान ने तुम्हें बड़ी खूबसूरती से बनाया है, लेकिन एक चीज की कमी रखी है। साफ साफ बोल दो, मैं बिना पूछ के बंदरिया हूँ। अरे दोस्त दोस्त सुन, मुझे बहुत जोर से सुस्ती लगी है। अरे मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। जय श्री राम। मेरे पति का नाम लेता है, आखिर तू है कौन? मैं हूँ राम भक्त हनुमान, उन्होंने मुझे भेजा है, ये लीजिए। मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? जब से रावण आपको उठाकर लाया है वो एक निवाला भी नहीं खाए। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मेरे पति से मिलना है। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, कुछ दिन और रुकिए, मैं राम को बुलाकर लाऊंगा, रावण का सर्वनाश करके आपको ले जाएंगे। ठीक है, ये अंगूठी तुम राम को दे देना। ठीक है मैं चलता हूँ। जय श्री राम। हे कृष्णा, तुम्हारी चड्डी निकल गई। शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम। क्यों हंस रही हो तुम? तुम्हारी बात याद आ गई इसलिए। ओके। वैसे तुम किस लिए हंस रहे हो? बस ऐसी, मुझे भी फ्लैशबैक की कुछ बातें याद आ गई इसलिए। कैसी बातें? वो बताने लायक नहीं है, थोड़ा सा सेंसर प्रॉब्लम है उनमें। जय श्री राम। खुशी। जब तुम छोटे थे चड्डी उतर गई थी, तुम्हारी शेम शेम हो गई थी। कैसे भाग गए थे तुम, वही कृष्णा हो ना तुम। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आइए जाइए कहकर कितनी इज्जत दे दी मैंने तुम्हें, है ना? मैंने जब तुम्हें देखा तभी से मुझे डाउट हो रहा था। वैसे ही बकबक करने वाली और बुद्धू की बुद्धू रह गई तुम, अभी भी मर्दों की तरह लगती है। ये पैदाइशी गुण है मेरे, समझे? कभी नहीं जाने वाले। और कुछ आदतें तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। अरे अपनी आइडेंटिटी थोड़ी ना गवा सकते। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई? अरे मैं स्पोर्ट्स में आ गई हूँ, लंगड़ी कबड्डी कीचड़ में खेलना और भी कई सारे खेल हैं। तुमने एजुकेशन की डिग्री कहाँ तक ली है? अच्छा वो बड़ी मेहनत करके मैंने एसएससी तो पास कर लिया, लेकिन वो खरोस इंग्लिश का टीचर अगर 5 मिनट भी एक्स्ट्रा दे देता तो मैं कॉलेज चली गई होती। अच्छा, भगवान नहीं चाहता मैं व्हाइट यूनिफॉर्म से आगे बढ़ूं। तुम्हें एक बात पता है क्या? जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी चड्डी में एक होल हो गया था और हम सब तुम्हें पोस्ट ऑफिस कहकर चिढ़ाते थे। एक लेटर भी पोस्ट किया था, याद है कि नहीं तुम्हें? ए मेरी माँ, चड्डी की बात छोड़कर कोई दूसरी बात करोगी क्या? कब से मेरे चड्डी के बारे में ही बात कर रही हो? सॉरी। अच्छा ठीक है जाने दो। अच्छा वैसे तुम क्या करते हो? वही चड्डी का ही बिजनेस कर रहा हूँ। डैड कहाँ हैं आप? परमेश्वर पिताजी। ओ डैड, पिताजी। क्या हो गया बेटा? ये कौन है, पहचानिए? ये कौन है? हेलो अंकल, नमस्ते। कौन है बताइए तो? ऐसा लगता है कि कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। इधर उधर की बात मत कीजिए, जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो बोलिए कि नहीं जानते। मैंने पहचाना नहीं मेरी माँ। कृष्णा है डैड। अच्छा कृष्ण, कृष्णा अंकल। अरे रे 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 रे, हमारे शारदा जी के बेटी का बेटा। हाँ जी। अरे जब तुम छोटे थे तभी मैंने तुम्हें देखा था, तू चड्डी पहनकर यहाँ वहाँ दौड़ा करता था, तुम्हारी फोटो भी हमारे पास है, मैंने उसे दरवाजे पर लगाया था, देखने वाले गलत सोचेंगे इसीलिए अंदर रख दिया। मेरा प्यारा कृष्णा, तुम लोग बात करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। बाप और बेटी दोनों सब कुछ छोड़कर मेरे चड्डी के पीछे पड़ गए। बुरा लग रहा है कृष्णा,
पर क्यों? अभी भी चड्डी नहीं पहनी क्या? खुशी, खुशी बेटी, जब तुम छोटी थी ना तो तुम कह रही थी कि राजा रानी के सर को जिसने तोड़ा होगा अगर वो मिल जाए तो उसे पकड़ के धो दूंगी। ये वही है। क्या, मैंने... क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? ए, सुनना, क्या ढूंढ रही? अंकल क्या हुआ इसे? फ्लैशबैक, फ्लैशबैक। खुशी खुशी क्या कर रही है? खुशी अरे तू क्या ढूंढ रही है? अरे क्या चाहिए तुझे? खुशी अरे खुशी लग जाएगी बेटा। क्या कर रहा, क्या कर रहा? मुझे मेरी गुड़िया का सर क्यों तोड़ा? नहीं आ रहा, पागल पागल हो गई हो क्या? मार मार क्यों मार रही हो? अरे मारो मत, देखो इतना क्या हाल बनाती है? ये सब क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो मुझे? अरे छोड़ो, मेहमानों के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चलो कुछ भी करो। अरे छोड़ो, क्या पागल लड़की है? रुको, भाग से गाओ। पीछे ही मुड़ के छोड़ने वाली। अरे अंकल समझाइए अपने बेटी को। अरे कुछ छोड़ ना बेटी, पता नहीं था कि टांगे तोड़ दूंगी, तुम्हारा भी सिर तोड़ दूंगी मैं। तुम्हें किसी से प्यार हुआ क्या? अब तक नहीं। झूठ बोल रहे हो ना, मुझे यकीन नहीं होता। आजकल के लड़के तो 100% प्यार करते ही करते हैं, और उस पर तुम तो एड फिल्म्स में काम करने वाले लड़के हो। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हारे साथ काम करती हैं, फिर भी कहते हो कि तुम्हें आज तक किसी से प्यार ही नहीं हुआ, कैसे मानूं? 100% सच बोल रहा हूं, अपनी लाइफ में मैं किसी से प्यार नहीं करता। वो क्यों? क्यों मतलब मुझे अब तक मेरे टेस्ट की कोई लड़की मिली नहीं। कैसा टेस्ट? लड़कियां रसगुल्ले या जलेबी है जो टेस्ट करोगे? हाँ जो भी मुझसे मांगेगी वो ला कर दे दूंगा। Just one guess. उनकी अरेंज मैरिज हुई होगी या लव मैरिज? बता सकती हूँ? बकरी चलाने वाले की क्या लव मैरिज होगी? ये लोग मामा की लड़की या बहन की लड़की के साथ अरेंज मैरिज करते हैं। सुनो, उनकी लव मैरिज हुई है। ए, तुम्हें तो कभी प्यार हुआ नहीं है, तो कैसे पता कि उनकी लव मैरिज है? वो सब जानने के लिए लव करना जरूरी नहीं है। No chance. Love... अरेंज मैरिज है। लव मैरिज। अरेंज मैरिज। ओके, डिस्कशन छोड़ो, हम डायरेक्ट जाकर उनसे पूछ लेंगे। ओके ओके जो भी मुझसे मांगेगी वो लाके दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, जो मांगेगी वो दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा। ले देखा, ए बैठो 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 आराम से बैठ जाइए ना, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठिए ना। देखो कैसा शर्मा रही, तुम्हारी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? हम दोनों ने प्यार करके शादी की है। देखा, मैंने बोला था ना लव मैरिज हुई है। अच्छा ये बताओ प्यार कैसे हुआ? मैं बकरी चराने इनके गांव चला गया था। हाँ? उसी समय ये भी बकरी चराते चराते मेरी ही तरफ आ रही थी। गांव की चिंता ना करो, बकरी तुम चरती रहो, सारी घास है तुम्हारी। ए, सुबह हो गई, चलो चलना है, सर पर सूरज आ गया, चलो चलते हैं। अरे भाई, सुबह हो गई, चलो चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, व्हाट इज दिस? What? तुम्हारी बकरी और मेरी बकरी मिक्सिंग। अरे so ले, 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 ले। हमारी बकरी अलग करने के लिए तुम्हारा बाप आएगा क्या? अलग करो जल्दी। हा? जल्दी करो ना यार। अगर मेरे बाप को तुम बीच में लेकर आए ना तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी। तुम अपनी बकरी को मेरी बकरी से अलग करो, तुम्हें पता नहीं कैसे चरवाते हैं। पहले तुम अपनी बकरी लेकर जाओ, उसके बाद मैं अपनी बकरी देख लूंगा। अगर मैं यहाँ से अपनी बकरी लेकर जाऊंगी ना तो तुम्हें भी अपनी बकरी लेकर जानी होगी। अनएजुकेटेड बोल। ऐसे इंग्लिश में बोलकर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं अपनी बकरियाँ देख लूंगा, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? ओ, अगर तुमने अपनी बकरियाँ अलग कर दी तो फिर तुम जो मांगोगे वो दूंगी। मैं तुम्हारा दिल मांगूंगा तो पहले अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाओ, फिर जो मांगना है वो मांग लेना। अच्छा, अभी अलग करता हूँ, देखो। अरे दिन ढल गया, घर पे चलना है, दिन ढल गया, घर पे चलना है।
शाम हो गई हा? तो अभी सबको घर चलना है, दिन ढल गया घर पे चलना है, दिन ढल गया घर पे चलना है, शाम के वक्त सबको घर पे जाना पड़ता है, दिन ढल गया घर पे चलना है, अरे दिन ढल गया घर पे चलना है। वाओ, इम्प्रेस्ड, हाउ दिस टेक्निक? इन सबको मेरे भाई ने गा गा कर प्रैक्टिस करवा दी है, उनकी आवाज सुनकर ये कंचा क्रिया विद्या सब लोग फिदा हो जाते हैं। कैसी लगी? सुपर्ब। अब मेरा हार्ट प्लीज टेक। आई लव यू स्वीट। अब से मेरा ये दिल तुम्हारा है। इसके बाद मेरी सारी बकरियां तुम्हारी। सुपर्ब स्टोरी। एक बकरी का बच्चा देखकर पटा लिया ना, बड़े चोर हो तुम। तुम्हारा ये लुक स्टाइल और गेटअप ये सब देखा जाए तो तुम ऐसे सी फेल तो नहीं लगती। गांव की लड़की इतनी स्मार्ट। गांव की लड़की का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? वो जो बस चुनरी डाले, लड़कों को देखकर शर्माए और छुप जाए? अरे वो जमाना अब नहीं रहा, गांव की लड़कियां भी बदल गई हैं। अब तो ये लैपटॉप का जमाना है, और जब से इंटरनेट और 3G आया है तब से तो गांव की लड़कियां भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं। यही बात तुम कितने अच्छे से बता रही हो। अरे खुशी क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? अब देखो मैं क्या। अरे क्या हुआ? गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चल चल चल। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता नहीं है कृष्णा, शहर में कितना पोल्यूशन हो गया है। गांव में थोड़ी सी फ्रेश हवा मिलती है तो क्या इसका मतलब वीकेंड पर ये लोग यहाँ आकर गांव की हवा खराब करेंगे? तुमने जो काम किया है उसका अंजाम पता है तुम्हें? ए, रुक। ए, ए, रुक। ए, छोड़ना नहीं। ए, 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 रुक। ए, गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। ए, रुक जाओ। चलो उनसे माफी मांग लो। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी गलती हो गई सर। अरे उधर बाहर, नीचे उतर। रुक रुक सर, कूल डाउन सर, थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी सर। कृष्णा तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती हमने नहीं की, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं। सर 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 सर, एक मिनट रुक जाइए सर, सर एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मेरी बात सुनिए सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर, सर सॉरी सर। देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, कपड़े भी तुमने बहुत अच्छे पहने, लेकिन मेरे कपड़े सर 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 प्लीज सर सॉरी, इन कपड़ों को सर सर छोड़ दीजिए सर, साफ कर सर सर प्लीज सर, समझ गई ना सर 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 सॉरी सर सॉरी सॉरी, हम गलती हो गई सर। सर कंधे से हाथ, कंधे से हाथ हटा। Oh!
अरे वाह कृष्णा, तुम तो जैकी चैन और ब्रूस ली की तरह फाइट करते हो। कराटे ब्लैक बेल्ट, लगता था बेवजह सीख रहा था लेकिन अब जाकर काम आया। लाइफ में ऐसा ही होता है, जो काम सोचकर करते हैं वो तो काम नहीं आता, जिस काम में मन नहीं लगता वो काम आता है। जैसे हम जो पढ़ते लिखते हैं वो कभी काम नहीं आता, उसी तरह अब मुझे ही देख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके पागलों की तरह घूमती रहती हूँ मैं। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? क्या हुआ, ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? सॉरी यार, मैंने मजाक मजाक में वो सब कह दिया था। मजाक मजाक में? ये झूठे तो फिर सच क्या है? मेरा फ्लैशबैक वैसे उतना बड़ा नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड में जो स्ट्रेस, टेंशन, टारगेट होता है, वो सब मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे मेरा सिर दर्द होने लगता था, इसलिए रिजाइन करके यहाँ गाँव आ गई। यहाँ जैसा सुकून कहीं नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक, पॉल्यूशन, वो सब याद करो तो ओह बाबा नर्क लगता है ना। अरे रे रे रे, टाइम हो गया, चलो 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 जल्दी घर चलो। अरे घर जाकर खाना बनाना है, आज मेरी बारी है, डैड मेरी राह देख रहे होंगे। खुशी, तुम कहीं चलने के लिए कह रही थी ना, आई एम रेडी, जल्दी चलो। हे हाँ, वाओ सुपर्ब। खुशी जरा ऊपर आओ, जल्दी आओ ना, वंडरफुल, ये देखो ना। क्या हुआ? तुम इस सुंदर जॉइंट फैमिली को डिस्टर्ब कर दोगे। सॉरी, रियली ब्यूटीफुल, इसके अंदर इतनी कलरफुल ब्यूटीफुल फैमिली रहती है मुझे पता ही नहीं था। अगर सचमुच तो मैंने हाथ लगा देते तो इनकी कलरफुल फैमिली में हलचल मच जाती। काश मेरी भी फैमिली इनकी तरह बड़ी होती, जिसमें मम्मी, छोटी मम्मी, बड़े डैडी, छोटे डैडी, बड़ी मम्मी, दादी, भाई बहन सब होते, कितनी खुशी मिलती ना। सब लोग साथ में रहते हैं तो बहुत खुशी मिलती है ना। वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला। मेरा घर तो बहुत बड़ा है लेकिन पूरा खाली लगता है, सिर्फ डैडी और मैं रहते हैं। बट आई एम हैप्पी। कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू भी आते हैं। दुनिया में जितनी खुशी है वो तुम्हारे पास है, इसके लिए थोड़ी सी जलन महसूस कर रहा था, पर अब लगता है। मुझे देखो, तुम्हें यहाँ बुलाकर लेकर आई और फालतू की बातों में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा चलो। ये भगवान सबकी मुराद पूरी करते हैं, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम बस मन से मांगो और जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब तुम यहाँ आकर एक घंटी बांध देना, ठीक है? भगवान से मांग लो कि तुम्हें एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। मैं भी कुछ मांगती हूँ। इस समय तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो। मतलब तुम मुझे पसंद करने लगे हो क्या? नहीं नहीं, अरे रुको, देखने दो मुझे, दिखाओ दिखाओ। hey, खुशी खुशी खुशी, लाओ मुझे तो, लाओ मुझे तो। अच्छी नहीं है, इसे डिलीट करो। hey, डिलीट मत करो, डिलीट मत करो। ये वाली अच्छी है, ये सही है। सेट एज वॉलपेपर। ये अच्छी लग रही है ना? ये अच्छी नहीं है, डिलीट डिलीट डिलीट। ये वाली बहुत अच्छी है।
क्या देख रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो दोनों चिड़िया एक दूसरे से क्या बात कर रही है वो देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हें चिड़ियों की लैंग्वेज समझ में आती है? हाँ, जस्ट इमेजिन वो चिड़िया तुम हो और ये मैं हूँ। व्हाई डोंट वी डब? डब? हाँ, नाइस आइडिया। अब मैं तुम्हें मान गई कि तुम एक एड डायरेक्टर हो। थैंक यू लेट्स स्टार्ट। ओके ओके। हाय, आई एम कृष्णा गुप्ता। हाय, आई एम खुशी गुप्ता। इतने दिन तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे साथ ही था। पर मुझे तो दिखे ही नहीं। मेरी मम्मी कहती थी कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, इसलिए वो मुझे अपने आंचल में छुपा कर रखती। अब तुम बड़े हो गए हो क्या? वो मुझे पता नहीं, तुम ही देख लो, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। अब तो तुम बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, तुम खाना क्या खाते हो? सोसाइटी चावल। मैंने सुना है उसमें बहुत कचरा होता है। इंसान वो सब खाते हैं, मैं सिर्फ चावल ही खाता हूँ। अच्छा, तुम सिंगल हो? या, राइट नाउ आई एम सिंगल। कभी किसी पर कमेंट किया था क्या? कमेंट हुआ था, लेकिन वो मोबाइल के नेटवर्क में आकर मर गई। ओह, सो सैड। मतलब अभी तुम सिंगल ही हो? हाँ, डबल होने के लिए ही तो लड़की ढूंढ रहा हूँ। अब तक मिली नहीं क्या लड़की? मिल चुकी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो शादी करना चाहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। बस चावल खाने के लिए ही मुंह है? अपने मन की बात उस लड़की से खुलकर बोल नहीं सकते हो क्या? वो चिड़िया नहीं मानी तो? पूरे गांव में एक ही चिड़िया थोड़ी ना है, वो नहीं मानी तो कोई और। ऐसी बात है तो हिम्मत जुटा कर मैं बोल दूं? दरअसल वो चिड़िया तुम ही हो। कितनी दूर से उड़कर आई हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए बहुत दूर से उड़कर आई हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? पंख हिलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब हाँ होता है बुद्धू। ऐसी बात है तो मैं अपने घर वालों को बोलूँ? पहले मेरे डैडी से बात करो। क्यों उड़ रहे हो? मेरे डैड से डर गए क्या? मुझे किस बात का डर है? तुम्हारे पापा कोई पेड़ है क्या? वो भी तो एक चिड़िया ही है। तो फिर तुम उड़कर क्यों आए? मुझे भी खुशी हुई, इसलिए एक राउंड उड़कर वापस आ गया। ठीक है तो अब चलता हूँ। ठीक है, ठीक है तो मैं चलूँ? जाने के लिए बोल तो दिया। इस खुशी के लिए कुछ नहीं है क्या? वो क्या? वही जो लव होने के बाद में देते हैं। वो क्या? कुछ भी हो, हम शादी तो करने ही वाले हैं। Hey! खुशी। एक्चुअली वो जो चिड़िया के बारे में बात की थी वो मेरे मन में पहले से ही थी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने भी तुमसे वही कहा जो मेरे मन में था, चिड़िया के मन की बात नहीं थी। इसका मतलब मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। अंकल, ये कुआ कितना गहरा है? अंदर फेंक देता हूँ, देख के आ जाओ। अंकल, इसके लिए और इसके लिए ये एक ही पानी?
ये केवल इसलिए है, इसके लिए वहाँ जाना पड़ता है। अंकल, पानी पहले से होने पर कुआं बना है या कुआं बनने के बाद पानी आया? डरो मत, ये ग्रीन सिग्नल है। तुम्हारे घर वाले ओके कर दें तो मेरी तरफ से भी ओके है। खुशी ने रात में मुझे सब बता दिया है। खुशी तुम्हारे घर की बहू बनकर जाएगी तो उससे ज्यादा खुशी मुझे ही मिलेगी। अपने घर वालों को बुला कर लाओ। ऑल द बेस्ट। शादी करने की खुशी में अपने ससुर का लोटा ही डुबा दिया। हेलो। हाँ माँ। हाँ बोलो कृष्णा। गुड न्यूज है माँ, लड़की मिल चुकी है। सच में? सुनो, कृष्णा ने लड़की ढूंढ ली है। कृष्णा को लड़की मिल गई? कृष्णा को लड़की मिल गई? अरे हेलो छोटे पापा। अरे अरे मैं बात करूंगी। छोटी चाची पहले बात तो सुनिए। साइलेंस। पापा लड़की ओके है। आप सब अभी के अभी आ जाइए। कृष्णा मैरिज स्टोरी शुरू। चलो। ये क्या परमेश्वर पिताजी, आज ये बंदरिया चली जाएगी और हमेशा खुश रहेगी, यही सोच रहे हैं क्या? फिर से मजाक करने लगी। अब तो गंभीर हो जा बेटी। मम्मी ने मेरा नाम खुशी रखा था ताकि मैं हमेशा खुश रहूं। आपकी तरह इमोशन हो जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अरे राजी, वो आ गए। आपको इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है डैड? आपकी शादी है क्या? अरे मेरी किस्मत। नमस्ते अंकल। आइए आइए आइए। ये मेरे बड़े पापा। आइए। नमस्कार। ये मेरे पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। मेरी छोटी मम्मी और ये मेरे छोटे। नमस्ते। नमस्ते। ये दादी और ये छोटी दादी। नमस्ते। 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 आइए आइए आइए। जी नमस्ते। 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 कितने साल हो गए यहाँ आए हुए, देखो। कहाँ है आपकी बेटी? नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी। वो वहाँ रूम में है, आप लोग बैठिए, मैं बुला कर लाता। कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम बुला लाते हैं। चलो। मम्मी। आओ बेटा। मुझे अपने बाल बांधने चाहिए थे ना। कोई बात नहीं बेटा, ये बाल भी अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कौन है पापा? हा? तुमने लड़की दिखाने के लिए बुलाया था ना, तो ये वही लड़की है ना? यही है दादाजी, लेकिन मैंने कभी इसे इस अवतार में नहीं देखा था। आज तो ये साक्षात परी लग रही है। यही है हमारी बहू। नमस्ते। नमस्ते। मेरी तरफ से लड़की ओके। और हमारी तरफ से हमें भी पसंद है। हमें भी पसंद है। ये असेंबली है क्या? बहुमत हासिल करने के लिए आए हैं? इतनी प्यारी लड़की के लिए कोई ना कहेगा क्या? हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। छोटी मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ओहो, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया और मैंने अपना ओपिनियन दिया। मुझे पसंद नहीं आई, यही तो क्यों पसंद नहीं आई? रीजन बताओ। अरे मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं, आपको पसंद है तो शादी करा लीजिए, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। दीदी को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। बड़ी मम्मी, इन दोनों को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? हम सबको ये लड़की बहुत पसंद है, ऐसी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी। और क्या चाहिए हमें? अगर ऐसी बात है तो तुम ही शादी करके ले चलो, कौन मना कर रहा है? कृष्णा, जो लड़की हम सबको पसंद होगी वही हमारे घर की बहू बनेगी। अभी कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है,
कल ये घर की बहू बनकर आ गई तो क्या होगा, जरा सोच लो। हाँ बेटा, तुम्हारी मैं एकदम ठीक कह रही है, सबका एक मत होना बहुत जरूरी है। नाराज मत होना बेटा, सॉरी। मुझे तो लगा था कि इस घर में कई सालों बाद खुशियां आने वाली हैं और मैं आपकी फैमिली का भी एक पार्ट बनूंगी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। वो सपना पूरा नहीं होगा, आपकी बहू नहीं बनूंगी इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आप सब लोग एक साथ हमेशा खुश रहिए ये मैं चाहती हूँ। मेरी वजह से आप लोगों में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। कृष्णा को तो मुझसे अच्छी लड़की कभी ना कभी मिल ही जाएगी और इससे मुझे और मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना पापा? एक मिनट आती हूँ। हाँ मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे पापा ने मुझे सारे संस्कार सिखाए हैं। सॉरी खुशी, सबने मिलके मुझे गलत साबित कर दिया। इतनी अच्छी बहू को कोई छोड़ेगा भला? बताओ ऐसा होगा? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। कृष्णा चौंक गए ना? सॉरी बेटा। हमेशा तुम मुझसे क्या कहते थे, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद। मैंने सोचा लड़की और उसकी फैमिली को देख ली, इसलिए छोटा सा नाटक किया हमने। देखो बेटा, मैंने ऐसा किया इसलिए मुझसे नाराज मत होना। ये देखो, ये नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार, चार मम्मियां हैं तुम्हारी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए तुम हमेशा हंसती रहना। कृष्णा तुम ऐसे क्यों खड़े हो, स्माइल। तो खुश हो ना बेटा। और क्या संदीप जी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर दीजिए, क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए हमें वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए जल्दी शादी कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है, सब अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, भगवान के लिए थोड़ा टाइम दीजिए ना। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ हम देख लेंगे। आजकल तो सारा काम एजेंसी ही कर देती है, एक फोन कॉल करो और एजेंसी वाले आपकी शादी करवा के मंगलसूत्र पहना के सीधे आपको हनीमून पर भेज देते हैं। मेरी प्यारी गुड़िया मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। ओहो, तुम अपनी बहू की तारीफ करने के लिए यहीं रुकना चाहती हो क्या? जाना भी है। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, रुक जाइए, कल चला जाइएगा। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, होम मिनिस्टर ने हाँ कर दिया तो हम रुक जाएंगे। मैं भी आप लोगों को जाने नहीं दूंगी, प्लीज सासू माँ आज एक दिन के लिए रुक जाइए। हाँ मम्मी, आज एक दिन के लिए रुक जाते हैं ना। तो रुक ही जाते हैं ना यहाँ। ओ
ओके। ये ड्रामा किसने करवाया है पता है? कहा था तुमने लड़की को रिजेक्ट किया तब इसका मुंह देखने लायक था, इसे लगा था कर लिया सब। वो सब छोड़िए, मुझे तो दिल का दौरा पड़ने वाला था। एक मिनट, आप सब कृष्णा के शादी के बारे में बात कर रहे थे लेकिन बड़ी दीदी फ्लैशबैक में अपनी लव स्टोरी की बात कर रही थी, है ना? उस समय उन्होंने सपने में जो गाना गाया था अब वो वही गाना सुनाएंगी। सब सुनो, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। दीदी दीदी अब मेरी बारी है, प्यार करके मुझे छोड़ के ना जाओ। ओ बालम दिल है तेरा दीवाना। हमारे घर में से एक से बढ़ के एक है, चल तू दिखा अपना कमाल। दारू पीने वाले को कौन बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। दारू पीने वाले को कौन बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। तुम्हारी तुम्हारी बारी। हमारे घर में सब एक से बढ़कर एक हैं। ये टॉम एंड जेरी, कॉफी कॉफी गिर गई, कॉफी इसके ऊपर तो कॉफी गिर गई। अच्छा बेटा देखो ना, साफ करने में जरा हेल्प कर दो। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो बच्चों तुम लोग जाओ जाओ बेटा, टेक योर ओन टाइम। मैं तो साबुन अबुन दे दूँ हाथ धोने के लिए। मैंने ऐसा फिल्म में देखा है, जानबूझकर कॉफी गिराना और झूठ बोलना। मैं सब समझता हूँ। सेंटीमेंट्स तुम ये घंटी क्यों बांध रहे हो? लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि मेरी तुमसे शादी हो जाए। उस टाइम तो तुमने मुझे नहीं बताया। उस टाइम मुझ में कहने की हिम्मत नहीं थी, मुझे लगा कि कहीं तुम मिस ना हो जाओ, इसलिए बिना बताए मैंने मन्नत मांग ली। लेकिन अब ये मैं तुम्हारी मिसेज बनने वाली, अब तो खुश हो ना? यस। तुमने भी कोई मन्नत मांगी थी क्या? मैंने भी भगवान से यही मन्नत मांगी थी कि तुम मेरे पति बनो। हम दोनों ही बहुत बड़े चोर हैं ना? ऐसा क्यों? हम दोनों ने एक ही चीज मन्नत में मांगी और हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। भागो! कहाँ गया ये? कहाँ गया? दूसरी तरफ जा। चलो, उधर चलो। जल्दी करो। Oh!
डर मत बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। अब ज्यादा दर्द हो रहा है क्या बेटा? कृष्णा कृष्णा, ये सब क्या है बेटा? तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था ना। कृष्णा को मत डांटिए, ये सब मेरी गलती थी। उस दिन मैंने वो गलती नहीं की होती तो ये सब आज नहीं हुआ होता। हाँ, शादी होने से पहले तुम उसका पक्ष ले रही हो, शादी के बाद क्या होगा? हाँ, प्यार का मतलब वही होता है, जिसे प्यार करते हैं अगर वो गलती करे तो भी गलती नहीं मानते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जो भी करोगे सब गलत ही होता है। ए, चुप करो तुम, जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर की बहू बना लेते हैं। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, खुशी जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना जल्दी इसे हमारे घर भेज दीजिए। हाँ भेज दूंगा मैं, आपको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी मुझे भी है, पहले डिस्चार्ज तो हो जाने दीजिए। हाँ तो खुशी बेटा, तुम रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे ले जाओ। अपना ले। परमेश्वर पिताजी। हाँ? लड़कियाँ बाप का घर छोड़कर पराए घर में जाती हैं तो उसके मम्मी पापा रोते हैं, मगर इस घर की बंदरिया जा रही है इसलिए आप खुश हो रहे हैं क्या? आप दुखी नहीं हो रहे? बिना माँ की बेटी हो इसीलिए बचपन से तुम्हें जो मन में आया करने दिया। हम दोनों घर में थे तो जैसा था चलता था, अब तुम्हारा ससुराल है, हर किसी का दिल एक तरह नहीं होता है, किसी का दिल मत दुखाना बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगी मुझे पता है। बस यही उपदेश देंगे आप? थोड़ा तो इमोशनल हो जाइए, मैं जा रही हूँ इसका आपको थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा? मैं ये सोचकर क्यों दुखी होऊंगा बेटा, आज नहीं कल तो तुम्हें पति के घर जाना ही है ना। परमेश्वर पिताजी, रोना जरूरी है क्या? अच्छा छोड़िए, आज हम दोनों ही रोते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही। बेटी, शादी करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्या पापड़ बेले तुमने? ये लड़की देखने का प्रोसेस ही बहुत मेहनत का काम है, वैसे भी मेरे जॉइंट फैमिली जैसी फैमिली लड़की ढूंढने लगे तो जस्ट कांट बिलीव, उसमें भी लकीली तुम मुझे मिल गई, यही मेरा लक है। पहले तुम्हारी छोटी मम्मी ने ना कह दिया था तो वो सच होता तो? तो मैं अपनी लाइफ में शादी करने का ख्याल ही नहीं लाता। कुछ भी बोलते हो ना तुम कृष्णा, थोड़े दिन तुम नाराज रहते लेकिन उसके बाद लड़की ढूंढना शुरू कर देते। वैसे ही तुम्हारा नाम कृष्णा है, अकेले थोड़ी ना रह पाते। देखो, जो अपना नाम राम रख लेते हैं वो सब राम की तरह ही होते हैं क्या? वैसे ही कृष्णा नाम रख लेने से कोई कृष्णा बन जाता है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम इसी कृष्णा की तरह रहोगे तो अच्छा होगा। हमने बस एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए शादी की है क्या?
आज हमारी फर्स्ट नाइट है कृष्णा। ओह या राइट, वन सेकंड। क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry. Please don't mind. I'm sorry. Crazy guy. नहीं छोड़ते तो क्या होता? अब से मैं भी तुम्हारे साथ शूटिंग पर चलूंगी। तुम होश में नहीं आते तो क्या हो जाता? कितनी सारी लड़कियां होती हैं, क्या हाल हो जाता तुम्हारा? इस बार तो तुम्हें मेरा ध्यान आ गया, अगली बार ऐसा नहीं हुआ तो? नो। Hey, great idea. हाँ? कल से तुम भी मेरे साथ चलो, कंपनी मिल जाएगी मुझे। मम्मी आ रही हैं। हैंड स्ट्रेच कीजिए। लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट। सब एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, ओके? सूर्य भगवान जी नमस्कार। अरे अरे वो नहीं, रुकिए, योगा वाला सूर्य नमस्कार करेंगे। बैक बेंड, फॉरवर्ड। अरे क्या हुआ? ये मुझसे नहीं होगा बेटा, इतने वर्षों से कुछ नहीं किया तो अब बुढ़ापे में क्या होगा? अरे हो जाएगा, बैंड नहीं हो पाऊंगा। हो जाएगा, उठिए, बैंड नहीं हो पाऊंगा। चलिए उठिए, उठ जाइए, उठिए, उठिए, हो जाएगा, आप कर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, गेट रेडी। एक पदासना, चलिए चलिए आसन कीजिए। अरे दोनों पैरों पर खड़ा होना मुश्किल है, एक पैर पर कैसे खड़ा हो जाऊं? एक्सरसाइज तो करना ही होगा ना, योगा करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। फैमिली बनाते बनाते हमारी हालत खराब हो गई है, अब योग करने से ठीक हो जाएंगे क्या? अभी ये हमारी भलाई के लिए कर रही है ना बेचारी, चलो तुम करवाओ इसे, करवाओ। हम सबका कोलेस्ट्रॉल कम करना है हमें, अपने पति को बुलाओ, वो क्यों लेटा हुआ है? ओके, डोंट वरी, कल से मैं भी ज्वाइन करूंगा। अच्छा, मैं इतने दिनों से कह रहा था लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे थे, सिर्फ थोड़ा सा वॉक करने के लिए बोला तो वो भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आप लोगों को हो क्या गया है? देखो बात यह है कि ये सब हमारी बहू की वजह से हो रहा है। हाँ, इसीलिए हम सबको ये पैर उठाने के लिए बोल रही है। घर की प्यारी बहू बनने के लिए आते ही ड्रामा करने वाली जॉगिंग जंपिंग नहीं करवाती थी, वो हमारे घर में सबको झगड़ा करवा के सबको अलग करवाने वाली थी। वेट छोटे पापा, इतनी जल्दी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच कह रहे हो? उसका कैरेक्टर कैसा वो तो उसी दिन पता चल गया था जब उसके घर में वो इंसिडेंट हुआ था। हेलो खुशी मैडम, इनके साथ में ही आसन करती रहोगी या मेरे साथ भी कोई आसन करोगी? मेरा भी कुछ केयर करोगी की? मुझे ऑफिस जाना है यार। अच्छा, इतने दिनों से यही तुम्हें तैयार करके ऑफिस भेज रही थी क्या? इसे हमारे साथ भी तो रहने दो, कुछ देर के लिए जाओ तुम। ओके ओके, इसलिए हमने शादी की थी। ओके, चलो करते हम लोग, आ जाइए सब लोग। चलो चलो, ओके। पुरानी फोटो देखकर कितना अच्छा लगता है ना। एक खुशी देखो ना, कृष्णा इस फोटो में कितना अच्छा लग रहा है। दीदी वो वाली फोटो, क्या बात है, कौन सी फोटो है? अरे ये लेके जाओ, क्यों लेके जाओ? शांति, दिखाइए ना कौन सी फोटो है। उस फोटो को उसमें किसने रखा है? उसके मन को तकलीफ होगी। अरे लेकिन क्या है, दिखाइए। अरे मैंने कहा है उसमें कुछ भी नहीं है। मुझे देखनी है किसकी फोटो है, मुझे देखनी है, दिखाइए। ठीक है ठीक है, बताती हूँ मैं, लेकिन उस बात को अपने दिल पर लेकर नाराज मत होना। मुझे देखने तो दीजिए, क्या है? एक मिनट दीदी, इसके बारे में आप ही बता दीजिए ना। मेरा बेटा कृष्णा इस फोटो में जो लड़की है उसे बहुत प्यार करता था। उसने तय कर लिया था कि वो इसी लड़की से शादी करेगा, लेकिन क्या करें, उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अभी उसके दिल में वही लड़की रहती है जो इस फोटो में है। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। I know this girl from somewhere else. ये तो कृष्णा ही है, लड़की के गेटअप में फोटो खिंचवाई है।
और इस लड़की की फोटो दिखाकर आप लोग मुझे डराना चाह रहे थे। Meet for each other. कृष्णा रुको, स्पीकर ऑन करती हूँ। कृष्णा क्या बात करता है ये देखते हैं, ठीक है ना? चलो। हाय। हेलो। अकेली हो, अकेली ही रहना है। बोरिंग हो तुम, बोरिंग। कहाँ पर हो डियर? ऊपर 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 बेडरूम में हूँ। अकेली हो क्या? अकेली ही हूँ। I love you. Me too. काम करने का मूड नहीं हो रहा है। कहाँ पर हो बताया तुमने? बेडरूम। बेडरूम में हो क्या? हाँ। और बाकी के लोग? नीचे नीचे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जो बहन है ना, उससे थोड़ा बचकर रहना। बहुत ही डेंजर है वो ठीक नहीं है। उसके बाद मेरी 4 नंबर की मम्मा, वो भी बिल्कुल वैसी ही है, जरा उससे भी बचकर रहना वरना वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। उसके बाद मेरी छोटी मम्मी, वाओ सो स्वीट। ऐसा सोच रही हो तो गलत सोच रही हो, तुम्हें तो पता ही है ना, तुमने जरा भी गलती की तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। हेलो, मेरी वाइफ कुर्सी लगती है क्या? चलो खड़ी हो जाओ। छोटी मम्मी चलो हाथ हटाओ, मेरी वाइफ नीम के पेड़ की तरह पतली है यार। कृष्णा यहीं कहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ हो कृष्णा? जाके देखो कृष्णा। कहाँ हो कृष्णा? कृष्णा मैं बृहस्पति के जैसा हूँ। श्री कृष्णा को दिव्य दृष्टि से पूरी दुनिया की खबर रहती है, और इस कृष्णा को घर में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा क्या? हाँ? अच्छा तो सर, सासू माँ की साड़ी का कलर बताओ। पिंक, वॉयलेट विद व्हाइट डॉट्स। कृष्णा हमें पता है यही तुम कहीं छुपे हुए हो। कृष्णा आप सब लोग जरा अपने ऊपर देखिए। यहाँ तो नहीं हो। अरे बाबा मैंने ऊपर बोला, अपने पीछे नहीं, ऊपर ऊपर देखिए ऊपर। मेरी वाइफ को टॉर्चर करोगे इसलिए मैंने घर में कैमरा लगाया है एंड कनेक्टेड टू इंटरनेट। कैसा लगा? अच्छा, मैं तेरी माँ हूँ पर कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा और अपनी बीवी का इतना ख्याल रख रहा है। तुम ये कह रहे हो कि हम सब मिलकर तुम्हारी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं, अब तुम देखना कि हम तुम्हारी वाइफ को कैसे टॉर्चर करते हैं। तो मैंने साड़ी भी नहीं पहनी। हाँ? पागल क्या बोल रही हो तुम? स्टॉप। देखो कृष्णा तो तुम्हारे किस के लिए तड़पे जा रहा है। किसम यार। अरे जाओ ना, चल जाओ, जाओ ना। किस दे दो, चलो एक किस दे दो। 1 2 3 3 जाना जरूरी है क्या? जाना पड़ेगा, पेट के लिए, शूटिंग्स, नए कमिटमेंट्स। अच्छा मुंबई से कब लौटोगे? एक साल बाद। एक साल बाद? थैंक गॉड, तब तक मैं आराम से रहूंगी। क्या मतलब? मतलब मैं मम्मी और पापा के साथ यहाँ आराम से खुशी खुशी रहूंगी। मतलब तुम मुझे टॉर्चर करोगी? फ्लाइट छूट जाएगी। तुम मेरे जाने का ही रास्ता देख रही हो ना? ऐसी बात नहीं है, work is worship. I love you. Take care. I too love you. ऐसा क्यों हो रहा है जैसे लड़कियां माँ बाप का घर छोड़कर पति के घर जाती हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। कम है, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ पे? लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। सत्य है मेरे मम्मी पापा, सत्य है मेरा परिवार। सच बोलने के लिए अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं किस किस में हिम्मत है। इस कुर्सी पर बैठने वाले से लाइफ के बारे में एक सवाल पूछूंगी, अगर सवाल का जवाब गलत मिला तो ये लाल वाला बल्ब जलेगा, और अगर बात सच हुई तो ग्रीन वाला बल्ब जलेगा। और अगर दोनों बल्ब जल गए तो?
पापा नंबर थ्री पर हो, अब चुप रहिए ना। तो अब सच बोलने वाले हमारे पहले कंटेस्टेंट होंगे मिस्टर राज शेखर। झूठ बोलने के लिए रेडी हैं आप? मैं हमेशा सच बोलने के लिए रेडी रहता हूँ। क्या आप दादी जी के पति हैं? नो वे। झूठे, झूठे, झूठे। अब दादी जी की बारी। दादी जी आइए। बैठ जाइए। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने पति को मारने का मन किया है? कभी नहीं बेटा। नेक्स्ट, पापा नंबर फोर। आइए आइए आइए। लगता है मुझसे झूठ बुलवा कर ही रहोगी। आई एम रेडी नाउ। पूछो क्या पूछना है तुम्हें। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी अपनी पत्नी को कोई झूठ बोला है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी से तो छोड़ो, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से भी आज तक एक भी सच नहीं बोला। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। सही में इन्होंने तो सच बोला। वेल डन। थैंक यू। मम्मी नंबर फोर, आइए। हैव अ सीट। ओके, अब आपके पति ने तो सच बोल दिया है कि वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या आपको यकीन है कि वो सच बोल रहे हैं यहाँ? वो समझते होंगे कि वो जो बोल रहे हैं मैं उसे सच समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। इसने तो पूरा का पूरा सच बोल दिया। नेक्स्ट, पापा नंबर थ्री। मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम्हारी बारी है। नहीं, आप शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करते थे? मैंने अपनी पूरी लाइफ में केवल इन्हें ही नजर उठा कर देखा और किसी को नहीं। सुनिए, वो लड़की कौन है? खुशी, इनके कांटेक्ट में कोई लड़की है? पूछो जरा इनसे। एक इंसान से एक ही सवाल कर सकते हैं। अगला नंबर आपका ही है। तुमको तो मैं देख लूंगी, समझे? उस दिन जब आप मेरे घर आई थी, तब क्या सच में मैं आपको पसंद आई थी? नहीं। मुझे पता था कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। झूठ मत बोलिए। आप बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मेरी फेवरेट हैं। नेक्स्ट, पापा नंबर टू। आइए। हाँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपके घर की एक अच्छी बहू हूँ? नहीं। झूठे। मैं आपके घर की बहुत अच्छी बहू हूँ, मुझे पता है। नेक्स्ट। आपने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है। हाँ? पर क्या सच में मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ? सिर्फ मैं ही नहीं बेटी, ये सारा परिवार तुम्हें अपनी बेटी समझता है। थैंक यू। ओके, अब आने वाली है हमारी अनुश्री। अब देखते हैं हमारी अनुश्री क्या कहती है। ठीक है अनुश्री, ये बताओ, घर वालों की पसंद के लड़के से शादी करोगी या अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग जाओगी? 50-50। इसका मतलब हमें अब केयरफुल रहना होगा, समझ गए ना? पापा, ये गलत बात है पापा। माई डियर खुशी, सबको बैठा के प्रश्न पूछे थे ना तुमने? अब तुम बैठो और प्रश्न हम लोग पूछेंगे तुमसे, ठीक है ना? लेकिन मैं तो एंकर हूँ। नहीं, बैठो। मैं इस मीटर का कनेक्शन पलट देता हूँ। डैडी, नहीं, चुप रहो, मैं कनेक्शन ठीक कर रहा हूं। आजकल की लड़कियाँ शादी के बाद आते ही मम्मी पापा कहकर सबसे बातें करती हैं, और 6 महीने के बाद ही वो सभी से परेशान हो जाती हैं और अलग होकर रहने की जिद करती हैं। तुम भी उन्हीं की तरह सोचती हो क्या, या फिर हम सबके साथ मिलकर खुशी खुशी इस घर में दिन बिताने की सोचती? बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं सबके साथ रहूं। बचपन में ही माँ को खो दिया, इसलिए चाहती थी कि सासू माँ में ही माँ को देखूं। लेकिन मुझे चार चार माएँ मिल जाएंगी ऐसा कभी नहीं सोचा था। सुना था कि साथ में रहने से सब खुश रहते हैं, यहाँ आने के बाद देख भी लिया, अकेले रहने में क्या खुशी है ना? आई लव जॉइंट फैमिली, सबको साथ मिलकर खुश रहना चाहिए। What an answer. अरे वाह खुशी, हम जब बोल रहे थे तो बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था, लेकिन तुम बोली तो पूरा बल्ब ही फूट गया। ओ देखो भाई, इसने क्या बोल दिया।
अगर कोई इनसे एक और प्रश्न पूछ ले तो घर में जितने भी बल्ब हैं वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। देखो बेटा, तुम हंसती हुई बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, ठीक है? बताओ इन्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? इनसे एक गाना गवाई। देखो बेटा, मुझे गाना तो नहीं आता लेकिन कहोगे तो डांस करके। अरे बाप रे, सुनिए, आपका डांस देखने से तो अच्छा है कि हम खुशी का रोना ही झेल लेंगे। मेरा डांस इतना खराब है, देखो अब मैं करके दिखाता हूँ। म्यूजिक। नेक्स्ट डबल सुपर्ब। इस बार मम्मी नंबर टू। दिल झूमे खुशियों में, इन खुशियों को अपना लो, सब गाए मस्ती में, सबको तुम अब अपना लो। ये दुनिया है प्यारी, जो हम सारे ना कोई रोक सके, अब हर सपना एक ही हो। मिलके चलो सब यारों, कोई नाम रुसवा हो। दिल झूमे खुशियों में, इन खुशियों को अपना लो। देख लिया ना मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। सुनिए, अगली बार इस तरह से उस बच्ची से बात मत कीजिएगा, वो बच्ची बहुत सेंसिटिव है। बच्ची? हमारे घर में बच्ची कौन है? ये खुशी की बात कर रही है। अच्छा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। सच में हमने सोचा नहीं था कि हमारे घर में ऐसी बहू आएगी, कभी सोचा नहीं था। और इस जनरेशन में हमें ऐसी बहू मिल जाएगी, ये सौभाग्य से कम नहीं है। अरे कृष्णा, क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है तू? कृष्णा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? हाँ, आई एम सॉरी माँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। खुशी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये नहीं हो सकता बेटा। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है माँ, वो बीमारी लाखों में से किसी एक को होती है। मेरी खुशी के साथ ही ऐसा होना था। जब उसके सर पर चोट लगी थी तब ये बात पता चली। हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने एक स्कैनिंग कराने के लिए कहा था। उसके सर के स्कैनिंग की रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम कंफर्म हो गई थी। ये बात मुझे शादी के एक दिन पहले ही पता चली। मैं ये बात आपको बोलता तो आप लोग नहीं मानते, और मैं उससे इतना प्यार करता हूं, आप लोग भी उसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। ये बात खुशी को भी पता चलती तो वो अपने सारे सुखों का त्याग कर देती। इस परिवार को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने सामने से खुद जाकर उसे शादी कर ली। वो कई दिनों से यहां पर इतनी खुश है,
उसकी किस्मत तो पहले से ही बहुत खराब है, इसलिए वो चाहे दो दिन ही क्यों ना रहे, मैं उसे हर खुशी देना चाहता था, इसलिए मैंने वो बात आपसे छुपा कर रखी। I'm sorry, कृष्णा। इसलिए मैं मुंबई गया था, हेड शूटिंग के लिए नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। क्या कहा डॉक्टर ने? ये डिसेस ऐसी ही होती है, सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। There will be lot of strain. अब कुछ नहीं कर सकते हैं? ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वो सक्सेसफुल होगा आई कांट टेल। यू सी इज ब्रेन, द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द पेशेंट कम्स टू नो हाउ शी इज गोइंग टू रिएक्ट, शी इज ऑन हर फाइनल स्टेज। जितना हो सके उतना आप लोग उसे खुश रखिए। ये कृष्णा, तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब झूठ है, एक बार कह दो बेटा, एक बार कह दो। देखो इसने वही बोला है जो सच है। अगर हम सब इमोशनल हो जाएंगे और अगर उसने देख लिया ना तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। कृष्णा तुम खुशी को ये बात बताओगे? क्या ये बताना ठीक रहेगा? नहीं पापा, अगर उसे पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता। वो जितने भी दिन जिएगी हंसी खुशी से रहेगी, ये बात हम तक ही रहने देते हैं, उसे पता भी नहीं चलनी चाहिए। कृष्णा वो जितने दिन भी रहे बस हमारे साथ खुशी खुशी रहे। खुशी को बचा लो भगवान। गुड मॉर्निंग मामा नंबर टू, सॉरी मुझे आज उठने में देरी हो गई, आज एक्सरसाइज मिस हो गई ना। जाने दो ना बेटा, एक्सरसाइज करके आखिर हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। अरे जी मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? नो, अगर आप हमेशा खुश रहेंगी तभी तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। मेरी खुशी तो तुम हो बेटा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये क्या, इतनी सी बात के लिए आंखों में आंसू आ गए? मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी अच्छी मम्मी। मम्मी नंबर थ्री। खुशी। अरे आज कुछ स्पेशल है क्या? सब लोग मुझे हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, आज हग डे है क्या? तुम हमारी प्यारी बहू हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाई है। मैं ही तुम्हारे रूम में जाकर देने की सोच रही थी पर तुम नीचे आ गई। सुपर्ब कॉफी। आप सब लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, किसी दिन मुझे कुछ हो गया और मैं ऊपर चली गई तो? खुशी प्लीज तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, अगर आगे से तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए आप रो क्यों रही हैं? आप मेरी बहुत प्यारी माँ हैं और मैं 100 साल, नहीं 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 नहीं, कम से कम 60 साल तो जिंदा रहने ही वाली हूँ।
पर ग्लैमरस दिखने के लिए फेस पर मेकअप करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। बहुत शरारती हो। उसे दो। क्या बात है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? इतना सारा खाना क्यों बनाया है? टीवी में खाना बनाने का प्रोग्राम चलता है ना, वो देखकर इन्होंने ये सब बनाया है। और इसका टेस्ट अब हम पे टेस्ट किया जाएगा। ऐसा किस लिए है मैं बताती हूँ, ये मेरा फेवरेट खाना है इसलिए सबने मिलकर मेरे लिए बनाया। Am I right? बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि पापा ने कहा टीवी में देखकर एक्सपेरिमेंट किया हुआ खाना है, तो मैं ये खाना नहीं खा सकता। तुम नई नई आई हो तो तुम ही एक्सपीरियंस कर लो। चलो जाओ, मेरी मम्मियों ने जो भी बनाया है वो सब मुझे बहुत पसंद है। मैंने गलती से वो बात आपको बता दी। ऐसा क्यों कह रहे हो कृष्णा? तो फिर क्या है मम्मी ये सब, आप लोग ये सब क्या कर रही हैं? उसकी इतनी केयर करेंगे तो उसको डाउट नहीं होगा, हमेशा आप लोग इमोशनल हो जाती हैं। क्या करें कृष्णा, उसे देखकर हमसे रहा नहीं जाता। बहुत दुख होता है कृष्णा। आपको संभालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि खुशी ज्यादा दिन खुशी खुशी रहे तो उसे इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए आगे से थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। कृष्णा, आज हाफ मून डे है ना? फुल मून है। ए, तुम्हें आधा चांद नहीं दिख रहा है क्या? बाकी का आधा चांद यहाँ जो है। आज का दिन कुछ खास सा लग रहा है यार। मम्मियाँ भी आज मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रही थी, इमोशनल होकर हंस रही थी। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ना रॉन्ग है ना राइट है, सब लोग थोड़े से इमोशनल फूल्स हैं। उन्हें फूल्स तो मत कहो, वो सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये तो करेक्ट है, भला तुमसे कोई प्यार क्यों नहीं करेगा बोलो? खुशी तो बनी ही है प्यार करने के लिए। तुम भी तो देखो आज कुछ अलग ही तरीके से बात कर रहे हो। वो सब आधे चांद का ही कमाल है। कैसा लगा सरप्राइज? इतना ही नहीं है, और सरप्राइज है। कम ऑन, दिखाते हैं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम कृष्णा? अरे बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। सरप्राइज है खुशी के लिए। मम्मी नंबर दो, आप ही कुछ बताइए ना। कृष्णा ऐसा कौन सा सीक्रेट दिखाना चाहते हो? मेरी प्यारी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर पिताजी। प्यारी बेटी, आपको तो हर बार मैं याद दिलाती हूँ, इस बार आपको कैसे याद रहा? ये सब तो मुझे इन्होंने याद दिलाया और आज ही आने को कहा। ये लो, उस टाइम पर गुड़िया का सर फूटा था ना, उसे ठीक करके लाया हूँ, यही मेरा गिफ्ट है। सो स्वीट, थैंक यू पापा। मेरे पास कोई गुड़िया गुड्डा नहीं है, अगर चाहिए तो इस बुलेट की चाबी दे देता हूँ, इसे लेकर एक लंबी ड्राइव करके आओ। आपकी बुलेट? नहीं बाबा नहीं। थैंक यू एनीवे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू खुशी। दादी। यही मेरा गिफ्ट है, 100 सालों तक खुश रहो तुम। यस दादी, थैंक यू सो मच। ये क्या कृष्णा, तुमने मुझे बताया नहीं कि पापा आ रहे हैं सरप्राइज देने के लिए? और क्या क्या सरप्राइज छुपा के रखा है? Wait and see. Yay!
तो अच्छा खुशी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मेरे मरने से पहले ग्रैंड इवनिंग बना रहे थे ना खुशी, ये तुम क्या कह रही हो? बहुत हो गया, मेरा नाम ही खुशी है और मुझे खुश रखने के लिए तुमने पूरी फैमिली को दुख दे दिया। मुझे पता था कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। है ना मम्मी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग मेरी फिक्र मत करो। यही सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? आंटी, क्या हुआ बेटा? आप मरने वाली है क्या? ये सच है? ये तुम्हें किसने बताया? घर के सभी लोग आपके मरने की बात करके रो रहे हैं। सपना, जल्दी आओ। आ रही हूँ। मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ, सब मुझ पर बहुत प्यार लुटा रहे हैं, ये समझ कर कि मैं मरने वाली हूँ। खुशी, मैं मरने वाली हूँ इसलिए अब सब परेशान हो रहे हैं ना, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना। फर्क ये है कि मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ खुशी, और मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, है ना कृष्णा? प्लीज खुशी को ये बीमारी ये पता होने के बाद भी तुमने अपना प्यार नहीं तोड़ा, उससे शादी की, बचाने के लिए जी जान भी लगा रहे हो बेटा। बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार देने वाला तुम्हारा परिवार, तेरी बेटी ने कुछ जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। तुम्हारे जैसे पति का साथ और इतने अच्छे परिवार का साथ 3 दिन जिंदा रही वही बहुत है, लेकिन लग रहा है मेरी बेटी की खुशी देखने के लिए उस भगवान को भी दया नहीं है, इसीलिए देखो कृष्णा बेटा ये कौन है? दादी। हाँ, और ये कौन है? दादा। दादा। अम्मा। और ये कौन है? दादी वन। खुशी। और ये कौन है? बेटी कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ, टाइम हो रहा है।
अनु हाँ? केक कटिंग के बाद तुम्हें डांस करना है। मेरा बच्चा कितना अच्छा है, डांस कर। देखो कितना अच्छा केक आया है, बहुत अच्छा बच्चा है। ए मम्मी क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, माँ की याद आ रही है? चुप हो जा खुशी। मम्मा आ गई। लो आ गई। अच्छा बेटा, क्या हुआ, आप सोच में पड़ गए ना? ये खुशी कैसे बच गई? तो उसका एक ही कारण था और वो है मेरी फैमिली का प्यार। प्यार के सामने बुरा वक्त हार गया। इंसानों के पास धन दौलत जायदाद रहने से कुछ नहीं होता, बस खुशी रहनी चाहिए, नहीं तो वो सब वेस्ट है। रोज सवेरे उठकर पार्क में, टीवी में, सीरियल में, कॉमेडी सीरियल देखकर दिल बहलाने से अच्छा है हम अपनी खुशी अपने परिवार के साथ ढूंढें। हम उनमें खुशी ढूंढते रहते हैं। हमारी ये फैमिली देखकर आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपकी भी फैमिली ऐसी हो जाए और वो हमेशा खुश रहे। अगर आप सचमुच ये चाहते हैं कि आपको भी हमारी तरह खुशहाल परिवार मिले, तो हम जिस तरह से एक दूसरे पर प्यार करते हैं वैसे आप भी कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी और औरों को भी सीख मिलेगी। थैंक यू।